नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी ललंटो। अशोक मोची, कुतुबुद्दीन अंसारी और 2002 के गुजरात दंगे, और इन तीनों को एक करती हुई दो तस्वीरें। गुजरात दंगों को बीते 17 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी अगर आप इंटरनेट पर गोधरा कांड या गुजरात दंगा टाइप करेंगे तो गूगल पहली तस्वीर अशोक मोची या कुतुबुद्दीन अंसारी की दिखाएगा। हवा में दोनों हाथ उठाए, सिर पे भगवा पट्टी बांधे और तस्वीर के बैकग्राउंड में आग और धुआं। ये थे अशोक मोची और दूसरी तस्वीर में था पानी कुतुबुद्दीन अंसारी की आंखों में। हाथ जोड़े कुतुबुद्दीन अंसारी, एक उंगली में पट्टी, कमीज पर खून के छींटे। ये दो तस्वीरें गुजरात दंगों की पहचान बन गईं। वर्षों तक गुजरात दंगों की तकरीबन हर खबर में हेडिंग के साथ इन्हीं दोनों तस्वीरों को एक साथ लगाया जाता रहा। गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय बन गए अशोक और कुतुबुद्दीन। वक्त गुजरा, हालात बदले। अशोक जूते चप्पल सिलने का काम करने लगे और कुतुबुद्दीन कपड़े सिलने लगे। वक्त ने दोनों के घावों पर चिप्पियां लगा दी। अशोक और कुतुबुद्दीन एक साथ आए, मीडिया से कहा अब हम भाई जैसे हैं, पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। लोगों के बदलने से तस्वीरों में कैद लम्हे नहीं बदलते। उस तस्वीर में आज भी अशोक लोहे की रॉड लहरा रहा है और कुतुबुद्दीन आज भी हाथ जोड़े रो रहा है, लेकिन तस्वीर से इतर सच भी है। अशोक मोची ने गुजरात दंगों के 17 साल बाद अपनी दुकान खोली है, रेडीमेड जूते चप्पल की दुकान। अब तक अशोक दूसरों की दुकान में जूते चप्पल बनाते थे। कुतुबुद्दीन अंसारी दंगों के बाद पश्चिम बंगाल चले गए थे, कपड़े सिलने लगे। अब कुतुबुद्दीन अंसारी भी उसी मार्केट में बैठते हैं और अशोक मोची भी वहीं अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अशोक ने अपनी दुकान खोली तो उसका फीता काटने के लिए बुलाया कुतुबुद्दीन अंसारी को, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया। अशोक मोची ने अपनी दुकान का नाम रखा है एकता चप्पल घर। अशोक का कहना है कि दंगों के बाद उनकी छवि इस तस्वीर ने बड़ी खराब की थी, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इस दुकान की शुरुआत कुतुबुद्दीन अंसारी से ही कराई जाए। अशोक ने 2017 में दलित आजादी कूच नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली। अशोक का कहना था कि दलितों के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ, अब समय है दलितों के लिए काम करने का। अशोक को उसी 2002 गुजरात दंगों की तस्वीर की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अशोक ने तब पुलिस को बताया था कि दंगों में किसी ने उन्हें लोहे की रॉड थमा दी और हिंदुओं का बदला लेने के लिए कहा, लेकिन अशोक का कहना है कि उनकी सिर्फ तस्वीर ही ऐसी आई गुस्से वाली, लेकिन अशोक ने किसी को मारा नहीं। दुकान खोलने का पैसा किसने दिया? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अशोक मोची को उनकी दुकान खोलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आर्थिक मदद दी है। अशोक और कुतुबुद्दीन अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में CPIM के पी जयराजन के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। बहरहाल एकता चप्पल घर खुल चुका है। तस्वीरों से इतर अशोक मोची और कुतुबुद्दीन अंसारी अब एक ही बाजार से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ ही चुका है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं हूँ सुमित, कैमरे के पीछे मेरे साथ है रूहानी। थैंक यू।